हेलो एवरीबॉडी, सेक्स लाइफ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें टोटल 8 एपिसोड से हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 44 मिनट से लेके 53 या 52 मिनट्स के बीच में ही है। ये आपको हिंदी में देखने मिलती है। और क्या बात है नेटफ्लिक्स की, क्या बात है नेटफ्लिक्स की। साला डार्क जैसी वेब सीरीज़ को आप हिंदी में डब करके नहीं ला रहे हो, लेकिन इस तरह की वेब सीरीज़ को आप तुरंत लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में ठरकपन बहुत है। खैर, हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर शो की। तो देखिए, कहानी फोकस करती है बिल्ली, ये एक मैरिड वुमेन है, इसके 2 बच्चे हैं और इसका जो हस्बैंड है कूपर, ये बहुत ही शरीफ इंसान है, ये 1 वुमेन मैन है। ये अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है, अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। खैर, अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब शादी के कुछ साल बाद बिली को अपने शादी से पहले वाली लाइफ, यानी कि जहाँ पर बिली मैनहट्टन के करीब आधे आदमियों से सेक्स कर चुकी है और अलग अलग पोजीशन में सेक्स कर चुकी है, लेकिन उसका जो एक आखिरी बॉयफ्रेंड था ब्रैड, जो कि काफ़ी प्लेबॉय किस्म का होता है, उसके साथ जो उसने वाइल्ड सेक्स किया था ना, तो वो सारी चीज़ें उसको अभी भी याद है और कहीं ना कहीं वो ब्रैड को अभी भी अपनी लाइफ में चाहती है। अब ऐसे में इनके साथ क्या कुछ होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की। तो यार लिटरली उन लोगों ने एक पॉर्न शो बनाया, मतलब ये कोई वेब सीरीज नहीं। जब आप इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा सालों ने बीपी यानी कि ब्लू फिल्म बना दी है यार। खैर, उसके अलावा शो के अगर एग्जीक्यूशन की बात करूँगा तो यार ठीक ठाक है। मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पाने के लिए, अपने वाइफ के प्यार को पाने के लिए किस हद तक जा सकता है, यानी कि वो जो इंसान वो है नहीं, वो इंसान वो बनने की कोशिश कर सकता है। तो इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं कूपर से कनेक्शन बना लेते हैं। लेकिन अगर बिली को देखो, यानी कि उस लेडी को देखो, तो उसको देखकर एक ही चीज़ ख्याल आती है कि मतलब इस तरह की लड़की अगर हो तो हमारी दुनिया बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि उस लड़की की जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है उसको मैं गलत नहीं बताता, हर एक इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है, लेकिन हर एक इंसान की कोई ना कोई तो एक लिमिटेशन होती है और उसको वो पार नहीं करना चाहिए। लेकिन वही सारी चीज़ें आपको इस शो में देखने को मिलती है। उसके अलावा ब्रैड के कैरेक्टर को भी अच्छी तरह से लिखा है, यानी कि कोई लड़के के सामने अगर कोई लड़की खुद से चलकर आए तो वो लड़का थोड़ी ना छोड़ेगा उसका। मैं इस तरह के शोज को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि देखो यार, हमारे इंडिया में 1983 में एक मूवी बनी थी वो 7 दिन, जिसमें नसरुद्दीन शाह, अनिल कपूर सर, पद्मिनी कोल्हापुरी थे। उस मूवी का मैसेज देखो और जिस तरह से उस पूरी मूवी को बनाया वो देखो, और आपको प्राउड होगा कि हम इंडिया में रहते, क्योंकि हमारे इंडिया में एक कल्चर है, एक चीज़ है, जिस वजह से हम लोग खुद को एक अलग वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस शो को देखो और इस शो में चीज़ें जो बताई है और वो फेमिनिज्म वाले जो प्रोपोगंडा फैलाया है इसमें, उससे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर जो लड़की इस पर्टिकुलर शो को देख के गलत सीखती है, जो लड़का इस शो को अच्छा बोलता है, तो मैं उसको इतना ही बोलूँगा कि भाई तुमको भी बिली जैसी बीवी मिले तब तुमको पता चलेगा कि लाइफ में क्या होती है। और जो लड़की इस तरह की हरकत करेगी ना, मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो, हर लड़का चाहे वो कितना भी थर्ड क्लास हो, लेकिन वो चाहता है कि उसकी बीवी सबसे अच्छी हो, बहुत मस्त हो, मतलब नेचर वाइज हो, 1 मैन वुमेन हो। लेकिन अगर इस तरह की कोई लड़की हो तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। वो तो भयंडी कूपर है जिसने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद बोलते ना, अभी मैं इस शो में ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस आप लोग देखो अगर आपको देखना है तो, अदरवाइज आप लोग उसको स्किप करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा शो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो मतलब यहाँ पर बताऊँगा तो आप लोग बोलोगे क्या बोल रहे हो यार। शो की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, मतलब हर एक एंगल से जो शूट किया है, लिटरली भाई वो जो कैमरा मैन है शायद वो ब्लू फिल्म बनाता था। सही में यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं तुम लोगों को। हाँ, BGM अच्छा है, मुझे BGM बहुत अच्छा लगा, मतलब इस तरह के BGM जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यार सभी एक्टर्स ने अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से किया, यानी कि वो कुछ तो वही करना था जो वो मतलब रात को करते होंगे बेड में, तो उनके लिए मुझे नहीं लगता कि वो चैलेंजिंग काम था। ओवरऑल इस शो को लेकर जो मैसेज देने की कोशिश की है वो मैसेज बहुत ही पैथेटिक है, वाहियात है, और एज एन इंडियन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ भाई। और जो बर्दाश्त करेगा या जिनको ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें रियल लाइफ में करना चाहिए, तो मैं इतना ही बोलूँगा भाई, मॉडर्न बनो, चीज़ों को फॉलो करो, लेकिन कुछ चीज़ें वहीं पर छोड़ दो, उनको यहाँ पर मत लाओ, उससे हमारा समाज ख़राब होगा, हमारी सोसाइटी ख़राब होगी। और ऑलरेडी बहुत सारा गुड़ गोबर हो चुका है, आपको तो पता है हमारे इंडिया में भी कुछ चूतिया टिकटॉकर्स की वजह से, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई है। डायरेक्शन इस शो का अच्छा लगा मुझे, और फैमिली के साथ मत देखना शो को, मैं इस शो को रेटिंग दूंगा 6 out of 10, वो भी इसलिए क्योंकि जो बताना चाह रहे थे वो अच्छी तरह से बताया उन्होंने, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि लोगों को बताना, कि देखो ये सारी चीज़ें करना चाहिए, यही सारी चीज़ें करो। लेकिन यार देखने तो देखो यार, ये हिंदी में हिंदी डबिंग भी अच्छी तरह से की है, मतलब क्या वर्ड्स का यूज़ किया, मतलब ना खुले में फुल टू बोला, जो भी बोलने का था मस्त डबिंग की है यार, मज़ा आ गया।
तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। डोंट वॉच दिस शो। हाँ अगर अकेले हो, सिंगल हो, हिलाने का शौक है या जो भी करने का शौक है तो भाई देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम था रिव्यू करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइन ऑफ।